नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी ने कहा, झूठ फैला रहा है विपक्ष, सरकार गरीबों को समर्पित। अपनी सरकार पर अमीरों के हित में व गरीबों के खिलाफ काम करने के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांसदों को इस दुष्प्रचार का डटकर जवाब देना होगा। मोदी ने सांसदों को प्रेरित करते हुए कहा कि झूठ फैला रहे हैं विपक्ष के लोग, सरकार गरीबों को समर्पित है, हम सभी फैसले गरीबों के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यहाँ जन्मजात आदत है कि भाजपा की आलोचना करो, उन्हें हमारी आलोचना का अधिकार है लेकिन उन्हें खुद को निष्पक्ष कहने का हक नहीं। मैं हमेशा से गरीब की बात करता हूं और उनके लिए ही काम कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि कोई अच्छी बात नहीं सुनेंगे, कुछ अच्छा नहीं कहेंगे और कोई अच्छी चीज नहीं देखेंगे। हमें उन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो सुनना चाहते हैं। आपको और सक्रिय होना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है उसकी फिक्र न करें। भाजपा बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सदस्यता 10 करोड़ के पार। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वह सदस्यता के 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में पटाखे जलाकर और नारेबाजी कर जश्न मनाया गया। यहाँ पार्टी सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का खड़े होकर और ताली बजाकर अभिनंदन किया गया। आईएस आतंकियों ने की 30 ईसाइयों की हत्या। पश्चिम एशिया में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का कहर जारी है। आतंकी संगठन की ओर से ताजा वीडियो में 30 ईसाइयों की हत्या को दिखाया गया है। सभी अफ्रीकी देश इथियोपिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस 29 मिनट के वीडियो में कथित रूप से दिखाया गया है कि कैसे उग्रवादी बंधकों के दो समूहों को पकड़े हुए हैं और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आ रही है, दुश्मन इथियोपियाई चर्च से क्रॉस के अनुयायी। वीडियो में बंदूकधारी नकाबपोश आतंकी ईसाइयों को इस्लाम अपनाने की चेतावनी दे रहा है। इसके तुरंत बाद समुद्र तट पर तकरीबन 12 ईसाइयों का सिर कलम करते हुए दिखाया गया है। दूसरे फुटेज में आतंकियों के किसी मरुस्थल में अल्पसंख्यक समुदाय के 16 लोगों के सिर में गोली मारते हुए दिखाया गया है। हालांकि अभी तक इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी कि मरने वाले लोग कौन थे और उनकी सही संख्या कितनी थी।